पहले मैं जब आर्मी में था तो इधर से सियाचिन में पोस्टेड था, LOC, तो इधर ही से गुजरना होता है। लेकिन हाल के सालों में ये मेरा तीसरा दौरा है, 2 370 के पहले और 1 370 के बाद, दोनों के बीच का फासला 3 साल, यानी कि मोमेंटम बिल्डअप हो रहा था और हम जगह जगह एक नक्शा लेके जाते थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, हैदराबाद, मुंबई, जगह जगह हम ये नक्शा लेके जाते थे। एक मैंने नक्शा जनरेट किया था और वो नक्शे में मैंने पूरे JNK को 7 भागों में बांटा था मैंने, और एरिया वाइज उनको नंबर दे दिया था। तो इरादा ये था दिखाने का लोगों को कि ये देखो, ये पूरे इलाके में, इफ यू टेक गिलगित बाल्टिस्तान आल्सो इनटू कंसिडरेशन, तो ये घाटी केवल 7% एरिया है और ये 7% एरिया, ये पूरी 93% एरिया पे हुकूमत चला रही है। तो हम कहते थे कि भैया, इज इट लैक ऑफ डेमोक्रेसी, इज इट अ पॉलिटिकल कैप और राजनीतिक समस्या है, या इट इज ओवर डोज ऑफ डेमोक्रेसी। तो जब हम ये नक्शा लेके जाते थे तो आप, मेरे बहुत दुख से आपको कहना पड़ा कि ये जितने ये महान पढ़े लिखे लोग हमको ज्ञान बांटना शुरू कर देते थे, नहीं नहीं आप प्रॉब्लम को समझते नहीं है, ऐसे नहीं है, ये तो बड़ा सिंपलिस्टिक आपने वो दे दिया। हमारे जो सीनियर जो थे, अब ठीक है आप हमसे पहले पैदा हुए, लेकिन एक उम्र के बाद हमें भी कुछ कुछ अनुभूति हो जाती है, कुछ ज्ञान होता है। तो ये नक्शे का ये परिणाम ये हुआ, और ये जगह जगह जाने का और अपनी टेलीविजन पे बात रखने का परिणाम ये हुआ कि पटना जैसे शहर में भी 35-1 के खिलाफ एक बहुत बड़ा जुलूस निकला और तमाम हिंदुस्तान में ये इस तरह के कई जुलूस निकले। तो देवी और सज्जनों, ये देखिए, ये जो टीवी डिबेट्स में जो चिल्लम चिल्ली हुआ, उससे लोगों को ये पूरे प्रॉक्सी वॉर का जो आर्किटेक्चर है, वो आर्किटेक्चर उनको पता चल गया। इस आर्किटेक्चर में कौन है, मुफ्ती कौन है, मुफ्ती इस कौन है, अब्दुल्ला कौन है, हुर्रियत को कौन है, पाकिस्तान हाई कमीशन कहाँ बैठता है इस आर्किटेक्चर में है, ये लुटियंस दिल्ली के कई जर्नलिस्ट कहाँ इसमें शामिल है, 5 फाउंडेशन इसमें कहाँ था, तमाम NGOs इसमें कौन से हैं, कौन से मीडिया हाउसेस हैं, ये सारा आर्किटेक्चर लोगों को पता चल गया। नहीं तो उसके पहले NDTV में डिबेट्स होते थे, और डिबेट्स में क्या होता था, एक जनरल को बुला लेते थे, वो बेचारे से पहले कुछ कहवा देते थे, उसके बाद वो फिर उसके सामने ही फौज को गाली देना शुरू कर देते थे। तो हम भी सुनते थे उसमें कि क्या भाई, इंडियन आर्मी रेप करती है। तब एक दिन मैंने, एक मोहतरमा है, एक दिन ऐसा हुआ कि 2-3 बार मैंने एक ही चीज सुना 3 चैनलों पे, तो रिपब्लिक पर मैंने उनको बोला कि देखिए मोहतरमा, रेप इंडियन आर्मी नहीं करती है, रेप ये जो जिहादी बाहर से आ रहे हैं ना, चेचेंस, उज़्बेक्स, पश्तूंस, पाकिस्तान के, वो लोग आके करते हैं, अब मेरा मुंह मत खुलवाइएगा। हाँ, तो ये देखिए, ये उसके बाद से हुआ क्या कि ये जितने पिलर्स हैं इस आर्किटेक्चर के, ये जो प्रॉक्सी वॉर के पिलर्स थे, आप इनका थोड़ा गुरूर देखिए, इनका गुमान देखिए, इनका घमंड देखिए, इनका इत्मीनान देखिए, क्या क्या बातें हैं बोलते थे, पीओके तुम्हारे बाप का है, तिरंगे को कोई जनाजा नहीं मिलेगा, आग लग जाएगी, तरह तरह के, ये मतलब ये गुरु, और ये गुरूर था कहां से,
ये गुरूर, ये लोग जानते थे कि बहुत बड़ा ये अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी था, एक इंडस्ट्री था, और इनको इस बात का पूरा इत्मीनान था कि इसको ध्वस्त कोई नहीं ध्वस्त कर सकता है। लेकिन आपके दर्द ने, आपके दर्द ने और आपकी मुहिम ने वो 370 जैसे चट्टान को ध्वस्त कर दिया। और देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं, ये केवल कश्मीर का मसला नहीं था, ये केवल जेएनके का मसला नहीं था। आप उस देखिए वो किस तरह से, अगर कश्मीर सर है हिंदुस्तान का, तो ये जो रोग है वो पूरे पूरे शरीर में फैल रही थी। बुरहान वानी मारा जाता है कश्मीर में, उसका भी प्रकर्षण होता है, केरला के कोर्ट्स में ब्लास्ट होता है। 26/11 हुआ, वो भी उससे जुड़ा हुआ था, कश्मीर से जुड़ा हुआ था। पठानकोट में अटैक हुआ, वो भी कश्मीर से जुड़ा हुआ था। पूरे हिंदुस्तान में जो हिंटरलैंड में, अयोध्या, वाराणसी, जयपुर, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, तमाम जगहों पे जो ये ब्लास्ट हुए थे हिंटरलैंड में आपको 2004 और 8 में, वो कश्मीर से जुड़ा हुआ था। तो अगर हम ये कार्रवाई नहीं करते, ये न्यूरो सर्जरी नहीं करते कश्मीर का, तो हमारे लिए जो सिचुएशन जो था वो काफी गंभीर हो रहा था। तो हमारे दो डॉक्टरों ने, ऊपर में बैठे दो डॉक्टरों ने न्यूरो सर्जरी इनकी कर दी। अब उन्होंने क्या किया कि भाई, ताकि इनकी ब्लड लॉस नहीं हो ज्यादा, तो उन्होंने क्या किया कि उसको आइसोलेट कर दिया, जहां से खून बह सकता था उसको आइसोलेट कर दिया। और अब हम उम्मीद लगाते हैं कि जब ये आईसीयू से निकलेंगे तो तंदुरुस्त निकलेंगे, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो अपनी माता है, देवी है यहाँ पे वैष्णव माता, हमारे बाबा अमरनाथ भोलेनाथ जो हैं, वो जरूर ही इनको तंदुरुस्त निकालेंगे, क्योंकि अभी तो शारदा माता का बुलावा आ रहा है। तो देवी और सज्जनों, देखिए ये मैं न्यूरो सर्जरी की बात कर रहा था, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये समस्या इतनी जटिल नहीं थी, ये बहुत सिंपल समस्या थी। मिसाल के तौर पे मैं यहां आया, आप यहां आए, मैंने कहा 370 के पहले भी आया, 370 के बाद भी आ रहा, 370 के बाद मैं यहां तो आ गया, लेकिन अभी भी वहां नहीं जा सकता हूं। मेरी बिटिया 370 के बाद अपने दोस्त के साथ वो लद्दाख से घूम के चली आई, लेकिन एज ए टूरिस्ट तो आप जा सकते हैं शायद कश्मीर घाटी में, लेकिन आप दल लेक के किनारे ऐसी गोष्ठी नहीं कर सकते। तो ये समस्या बिल्कुल सिंपल सी थी, अब इसको कॉम्प्लेक्स क्या है, या आपको, आप लोग तो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, प्रोफेसर हरिओम हमारे हैं, मैं इनकी बात तो हमेशा टेलीविजन पे कहता हूं, और वो पर कैपिटा मीट कंजम्पशन वाली बात तो मैंने पूरी फैलाई है उसको। तो ये देखिए पहले क्या था, हम सेमिनार में जाते थे, पैनल डिस्कशंस में, कई और फोरम्स में, तो बड़ा डिस्कशन होता था, उसमें बड़े बड़े अंग्रेजी बोलते थे, हम भी कभी कभी अच्छा बोल लेते थे, तो वो कहते थे कि भाई आपने तो बहुत अच्छा बोला, एंड व्हाट एक्सप्रेशन, एंड व्हाट यू नो, व्हाट इनसाइट, लेकिन खाना भी अच्छा खिलाते थे, चाय भी फिर अच्छा होता था, ये तमाम जो ये टॉक शॉप्स जो है ना, वहां पे यही होता था। लेकिन जैसे ही आखिरी में होता था कि अच्छा बताइए अब इसका समाधान क्या है, तो समाधान जैसे ही आपने बात की कि 370 हटाइए, ज्ञान का तो बौछार हो जाता था, अरे आप समझते नहीं है, बहुत जटिल समस्या है, यू डोंट अंडरस्टैंड द
the nuances. और ये इसको complex जटिल समस्या इसको बनाई गई थी. तो इन दो डॉक्टरों ने, मैं जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, उन्होंने एक जटिल समस्या को देखिए कितनी आसानी से उन्होंने उसका न्यूरो सर्जरी कर दिया. तो देवी और सज्जनों, देखिए यह समस्या हुई कैसे, क्योंकि जो अभी मैं बोलने जा रहा हूं उसी में सलूशन भी है इसका. कि अभी देखिए क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ही ये तय हो चुका था कि ये डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस शुरू होगा. और जब आपको ट्रांसफर ऑफ पावर आपके यहां हुआ, ट्रांसफर ऑफ पावर, तो आपके आजू बाजू वाले देश में भी हुआ ट्रांसफर ऑफ पावर एक आध साल के अंदर में. बर्मा में भी हुआ, श्रीलंका में भी हुआ, सभी जगह ये डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ. लेकिन हमारे यहां कुछ लोग जो आपके स्वतंत्रता, अपने आप को स्वतंत्रता सेनानी कहते थे, उन लोगों ने क्या किया कि अपनी व्यक्तिगत अभिलाषा, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, अपनी व्यक्तिगत लोभ के कारण उन्होंने क्या किया कि भाई हमको जो हमको प्रधानमंत्री बना दो यहाँ का, बाकी तुम कुछ भी ले लो, बाकी तुम कुछ भी ले लो, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान बना दो, कोई बात नहीं, जे एन के लेना है तो आप जे एन के ले लो. अगर सरदार पटेल नहीं होते, आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, उस मीटिंग का के बारे में भी पढ़ा होगा, जब मानिक शॉ को उसने बोला कि यू हैव योर ऑर्डर्स, वो पटेल साहब ने बोला, तो हम जे एन के में भी इंटरवीन नहीं करते. और उस समय से लेके 1947 से लेके आज तक हम केवल डिफेंसिव पे रहे. 47 में ट्राइबल इन्वेजन हुआ, वहां की फौज की निगरानी में हम डिफेंसिव में, 370 लगाया डिफेंसिव, ऑफ जिब्राल्टर हुआ, सॉरी उसके पहले सक्षम वैली ले लिया चाइना में डिफेंसिव, उसके बाद 65 में ऑफ जिब्राल्टर हुआ डिफेंसिव, 71 में हमारे पास 93,000 प्रिजनर थे, हम चाहते तो एक परमानेंट सोल्यूशन कर लेते, निगोशिएट कर सकते थे डिफेंसिव. उसके बाद प्रॉक्सी वॉर शुरू हुआ डिफेंसिव, उसके बाद कारगिल हुआ डिफेंसिव, उसके बाद हमने ये तमाम, ये पठानकोट, ये सारा जो कुछ भी होता रहा बिल्कुल डिफेंसिव पे रहे. हमने प्रीएम्प्टिव, या इसको कहिए प्रीएम्प्टिव या प्यूनिटिव, हमने एक्शन शुरू किया सर्जिकल स्ट्राइक से, और उसके बाद ये बालाकोट से, ठीक है साहब. और देखिए आपको क्या डिविडेंड्स मिले, देखिए जब आप उस पे गए तो क्या डिविडेंड्स मिले. और मैं आपको एक, और ये अभी हमने जो कार्रवाई की है 370 हटावे की, ये भी एक ऑफेंसिव एक्शन है. तो देखिए अभी क्या हो रहा है. और इस बात पर यकीन कीजिए कि जो ग्रेविटेशनल पुल जो है, ग्रेविटेशनल पुल पीओके का हमारी तरफ है. एक रिटायर्ड आईजी सिंध है पाकिस्तान के, असगर अली सिगरी, में उनका कॉलम पढ़ा था डॉन में, उन्होंने कहा है कि अपनी सरकार को बोला, और वो गिलगित बल्टिस्तानी है, उन्होंने अपनी सरकार को बोला कि इसको यूं ही मत लो, आगे क्या होगा उस वो भी समझ लो, ये बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक एक मूव है इंडिया का. वो फिर वो उन्होंने थोड़ा क्वेश्चन किया अपनी सरकार को, और फिर कहा है कि तुमने जो हमको इतने साल से, 6 दशक से तुमने हमको डायरेक्टरी रूल किया, और वो कहा कि ये आप समझ नहीं रहे हो कि अगर गिलगित बाल्टिस्तान हिंदुस्तान में चला गया तो क्या होगा. उन्होंने कहा जितने ग्लेशियर्स हैं, बाय द वे द 3 वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स आर इन गिलगित बाल्टिस्तान, मोस्ट ऑफ द 8,000 मीटर्स वाले जो पीक्स हैं वहां पे, तो बोले कि ये जो नदियों में, इंडस में जो ग्लेशियर्स फीड करता है उसका क्या होगा, तुम्हारा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का क्या होगा. फिर उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया और बोला कि तुमने 6 दशक तक हमको डायरेक्टली रूल किया है, उसके बाद 2009 में तुमने
हमको ये एम्पावरमेंट और गवर्निंग ऑर्डर हमको दिया, वो भी कोई मतलब पावर अपने ही हाथ में रखा, फिर रिवाइज किया 2018 में, और 2019 में उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको नजायज ठहरा दिया, लेकिन अभी भी उसी 2018 के इंस्ट्रूमेंट से उनका गवर्नेंस हो रहा है, वो कह रहा है जो कि लीगली वैलिड नहीं है। और कुछ लोग कह रहे थे कि पीओके का, तो पीओके के भी मामले में हम बिल्कुल डिफेंसिव थे। जब कराची एक्वाड हुआ हमने कुछ नहीं बोला, जब उसके बाद आपको मालूम है वो चाइना को जब वो दिया तब हमने कुछ नहीं बोला। आजाद कश्मीर से गिलगित बाल्टिस्तान आजाद कश्मीर, जो सो कॉल्ड आजाद कश्मीर जो ये बोलते हैं, इज ओनली 1/6 ऑफ यू नो गिलगित बाल्टिस्तान, उसको जब हाइव ऑफ कर दिया तब हमने कोई कुछ नहीं बोला। जब 70 में उसका नाम बदल दिया नदन एरियाज, तब हमने कुछ नहीं बोला। तो अब तो बोलने का समय आ गया है, अब तो कार्रवाई करने का समय आ गया है। तो इसीलिए ये जो पीओके की हम लोग बात कर रहे हैं, ये हवा में बातें नहीं हो रही है। और जो लोग इस पे जिनको शंका है वो समझ लें कि 370 में भी पर भी बहुत शंका थी, तो अपनी शंकाएं दूर कर लें, अपनी शंकाएं दूर कर लें। इन दो डॉक्टरों को भगवान लंबी आयु दे, आप वो भी आंखों से देखिएगा। तो देवी और सज्जनों देखिए, अभी जनरल बाजवा ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि जेएनके इज द अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन, उन्होंने कहा। तो मैं जनरल बाजवा से पूछना चाहता हूं कि अगर जेएनके आपका अनफिनिश्ड, हां, और मेरा हमारा दिल जो है वो कश्मीरियों के साथ धड़कता है, तो क्या मतलब कोई धर्म परिवर्तन कर ले तो उसका दिल की धड़कन का रेट भी बढ़ जाता है? वो जो आप कहते हैं कि वो पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ मीट, तो क्या वो मीट धर्म परिवर्तन से और ज्यादा मीट खाने से वो दिल से दिल मिल जाते हैं क्या? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई। और आपका हो सकता है दिल धड़कता होगा एक साथ, क्योंकि तमाम इनके जो रिलीजियस लिटरेचर है उसमें क्या है, साहब नाम नहीं लूंगा, आप समझ सकते हैं, खाने को गोश्त और सोने को गोश्त, लूट मार रेप, मारो काटो, वॉर बूटी। सिर्फ अगर ऐसे लोगों के साथ दिल धड़कता है तो कश्मीरियों को सोचना चाहिए वहां जो है कि जो पाकिस्तान परस्त है, कि वो किसके लिए, वो किस किस मोहब्बत में वो मारे जा रहे हैं। और अगर ये अनफिनिश्ड एजेंडा था बाजवा साहब, तो ईस्ट पाकिस्तान क्या वो बोझ वाला एजेंडा था? वॉज इट अ बर्डन सम एजेंडा? क्यों, वो बंगाली थे तो बंगाली नाजायज मुसलमान होता है, तो बंगाली मुसलमान से इतना नफरत, क्या कहर ढाया था उन्होंने, और आपको कश्मीरी मुसलमानों से इतना प्रेम, 50% लोग अलग हो गए फिर भी ये किसकी बात कर रहे हैं साहब? अभी बड़ा ये रोना रो रहे हैं, ये एक रब्बानी है, सेनेटर है, वो कहता है, मैं उन्होंने कहा उसमें सेनेट में कि ये जो उम्मा का जो बबल है ये बस्ट कर गया, ओआईसी से हमको निकल जाना चाहिए क्योंकि ओआईसी किसी काम का नहीं है। पहली बात कि एक पाकिस्तानी ने बहुत सेंस की बात की, उम्मा नाम की कोई चीज ही नहीं है, उम्मा मींस ब्रदरहुड ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है साहब। अब है क्या कि पूरा अगर इस्लाम का इतिहास ले लें 1400 साल का, तो ये केवल खून से भरा हुआ है। अरे भाईचारे में तो पुष्पेंद्र जी बोलते हैं ना, भाईचारा में कौन किसका चारा है वो जानते ही नहीं। तो आप जब भाईचारा होता है तो आप तो खून देते हो, आप खून तो लेते नहीं हो दूसरे का,
लेकिन 1400 साल से तो ये एक दूसरे से था, ये खून ही ले रहे हो। आज कश्मीर घाटी में क्या हो रहा है, कौन किसका खून ले रहा है? क्या कश्मीरी पंडित वहां पे खून ले रहे हैं? तो ये उम्मा का, देखिए उम्मा जो था ये जब अरब में इस्लाम कन्फाइंड थी तो इसका कुछ रेलेवेंस रहा होगा, क्योंकि उस समय एक भाषा, एक तरह की खान पान, एक तरह की संस्कृति होगी, तो एक कैलिफेट हो सकता था। लेकिन जैसे जैसे इस्लाम एक्सपैंड किया और दूसरी संस्कृतियों के वो आगोश में आया, तो उस वैसे वैसे वो इवॉल्व करता गया। तो अब बताइए इंडोनेशिया को के मुसलमान को कैलिफेट से क्या मतलब है, और ये कैलिफेट का क्या है? जब इंडोनेशिया के मुसलमान या भारत का मुसलमान को कोई वो तो खलीफा नहीं चुनता था ना वहां पे, तो ये कैलिफेट का, ये जो इस्लामिक स्टेट के जो झंडे फहराते हैं, ये कैलिफेट का ये क्या क्या है, ये कॉन्सेप्ट सा। और उसके बाद आपको एक बात बता दूं कि इनडायरेक्टली अगर आप देखें, इट वॉज दी इंडियंस, ये भारतीय लोग थे, भारतीय सेना जो थी अंग्रेजों के समय में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जिन्होंने कैलिफेट को ध्वस्त कर दिया था। 7.5 लाख, हमारे 7.5 लाख लोग मिडिल ईस्ट में वर्ल्ड वॉर वन में लड़े थे और ऑटोमन एम्पायर को उन्होंने खत्म कर दिया था। तो देवी और सपने, ये देखिए कि मैं अपनी बात जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, जस्ट अ मिनट, आई थिंक आई हैव टाइम। तो मैं कह रहा था कि देखिए अभी कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ यूएस काउंसिल ऑफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, एक संस्था वहां के स्टेट डिपार्टमेंट में गई, उन्होंने ज्ञापन वहां पर दिया कि एनेक्सेशन हुआ है कश्मीर का, इस पर कुछ कार्रवाई कीजिए, वो मांगते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, ये जमायत इस्लामी, जमायत उलेमा हिंद, हालांकि उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया है, अहले हदीस, ये कोई मरकज कुछ है वो ऑर्गेनाइजेशन, इन लोगों को क्या 370 सिख की क्या चिंता है? तो पाकिस्तान इसको मुस्लिम एजेंडा बना रहा है, हमारे यहाँ लोग मुस्लिम एजेंडा बना रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं टेलीविजन में इतने साल से आ रहा हूं, 12 साल हो गए, पहले कोई भी नॉन कश्मीरी मुसलमान कभी भी मौलवी, खास करके मौलवी और ये इमाम जो, वो कभी भी 370 के बारे में कुछ नहीं बोलते थे। ये 4 साल से मैं देख रहा हूं कि ये मुस्लिम, इसको एक मुस्लिम कलर देने का इन्होंने कोशिश किया है। अब वो उमा और ओआईसी की तो ये बात कर रहे हैं, ये भी उसी का बात कर रहे थे, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। अब इनकी तड़प क्या है, इनका दुख क्या है? इनका तड़प और दुख ये है कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट था, संवैधानिक व्यवस्था थी कि एक मुसलमान जो है घाटी के, वो परमानेंटली रूल कर रहे थे लद्दाख और जम्मू में, वो सल्तनत चली गई। उनका मेन दुख ये कि उनके वो सल्तनत चली गई और उन्होंने ये तय करके रखा था कि ये इनका मौलिक अधिकार है आप लोगों पर शासन करना, इसलिए आप ये, इनको दुख। और इनके सपोर्ट में बहुत लोग हैं, आपके लेफ्ट लिबरल्स और ये जितने लुटियंस के कुछ लोग हैं, और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप ही के बीच के लोग, कुछ कोई ऑन्कोलॉजिस्ट है लगा हॉस्पिटल में लगा हुआ, तो कोई रिटायर्ड एयर मार्शल है, वो लोग नहीं है,
तो देवी और सज्जनों देखिए ये मसला क्या है, ये मसला है पूरी दुनिया में जो संघर्ष जो है वो रिलीजन और कल्चर में है। इस्लामिक दुनिया में जो आप द्वंद्व देख रहे हैं वो पूरा रिलीजन और संस्कृति में है। धर्म रिलीजन से बिल्कुल अलग है। धर्म इज अ सेट ऑफ इटर्नल वैल्यूज। धर्म विल ऑलवेज बी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, वो विज्ञान पे बेस्ड होता है। समझ रहे मेरी बात? मैं कई जगह ये कहता हूं कि एक रिलीजन बोल सकता है कि धरती जो है चपटी है और पहाड़ जो है उसको रोकने के लिए है। एक रिलीजन गैलीलियो को इसलिए मार सकता है क्योंकि उसने बोल दिया कि द सन रिवॉल्व्स, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, नॉट द अदर वे अराउंड। लेकिन धर्म धर्म नहीं बोलेगा। आप परिक्रमा करते हैं, क्लॉकवाइज करते हैं, क्यों करते हैं? द अर्थ रोटेट्स क्लॉकवाइज, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन क्लॉकवाइज, पूरा ब्रह्मांड क्लॉकवाइज है। आपके शरीर में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, एनीथिंग सर, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो भी क्लॉकवाइज वो घूमते हैं। लेकिन हज में परिक्रमा एंटी क्लॉकवाइज होता है। आप उनसे पूछो कि क्यों होता है, बताए कुरान में अल्लाह ने मना किया है, ये पूछ नहीं सकते हो। मैं कल ही बात कर रहा था न्यूटन एक्शन रिएक्शन, हमारा कर्मा फिलॉसफी छोड़ो, साइंटिफिक छोड़ दो, ये तो मानोगे ना कि अच्छे कर्मों का अच्छा नतीजा, बुरे कर्मों का बुरा नतीजा होता है, और उससे तो भगवान भी नहीं वंचित। जब गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया तो कृष्ण ने उनको दोबारा श्राप नहीं दिया। उनको वो जानते थे कि धर्म के लिए उनको कुछ अधर्म का भी इस्तेमाल करना पड़ा था, लेकिन वो पाप लग गया था और भगवान श्री कृष्ण की बहुत दर्दनाक मृत्यु हुई थी। तो इस पूरे ये जो धर्म है वो कुछ नहीं है, वो कुदरत का कानून है। तो ये संस्कृति जो है, आप देखिए संस्कृति क्या है, संस्कृति का आर्किटेक्चर क्या है, लैंग्वेज, लिटरेचर, म्यूजिक, सेक्रेट ज्योग्राफी, माइथोलॉजी। कोई भी धर्म संस्थापक में वो औकात नहीं है कि वो आपको नई भाषा दे, आपको नई संगीत दे, नई संस्कृति दे। और जो आपने आज वो जो म्यूजिकल प्रोग्राम पेश किया यहां पे, कोई धर्म, वो धर्म की कोई डेट लाइन से नहीं है, वो अनंत काल से। तो धर्म तो आते हैं जो रिलीजन तो पैदा होता है, रिलीजन पैदा किए जाते हैं, और जो चीज पैदा होगा वो मरेगा। एनीथिंग विच इज बॉर्न हैज टू डाई। तो देखिए ये माइथोलॉजी, तो मैं कह रहा था कि तो पूरे दुनिया में यही है कि भाई पर्शियन संस्कृति और इस्लाम में लड़ाई चल रही है। सेंट्रल एशिया में, हालांकि सेंट्रल एशिया ने कहीं ज्यादा तवज्जो दिया है अपने संस्कृति को इस्लाम के ऊपर में। इनफैक्ट इन कंट्री लाइक तजिकिस्तान बुर्काज एंड बियर्ड्स हैव बीन बैन्ड। अब ये माइथोलॉजी की बात, अब मैं कह रहा था कि माइथोलॉजी एक वो आप लोगों ने उसका सुना होगा, देवदत्त पटनायक को मैं भी सुन रहा था, किसी महिला ने उनसे सवाल पूछा कि ये बताइए कि व्हाट इज माइथोलॉजी, इज इट रियलिटी? तो उन्होंने कहा कि सुनिए, आप बाइबल, आपको मैं बाइबल देता हूं और आप लाइब्रेरी के इंचार्ज हैं, इसको कहां रखेंगे?
फिक्शन सेक्शन में या नॉन फिक्शन सेक्शन में? तो उसने जवाब नहीं दिया, कहा कि अगर आप सेंट जेवियर्स कॉलेज के लाइब्रेरियन हो या स्कूल के, वहां अगर आपने इसको फिक्शन सेक्शन में डाल दिया तो आप नौकरी से निकाल दिए जाओगे, ठीक है, फॉर देम इट इज नॉन फिक्शन। अब मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूं थोड़ा सा। अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर लाइब्रेरियन ने उसको डाल दिया मान लीजिए फिक्शन सेक्शन में, तो देखिएगा आगजनी शुरू हो जाएगी, साहब बवाल हो गया। और अगर मान लीजिए मिसाल के तौर पे अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में आपने नॉन फिक्शन सेक्शन में सॉरी ये फिक्शन सेक्शन में इसको डाल दिया रामायण को, तो क्या होगा? हमारे ही लोग आपस में बहस करने लगेंगे कि ये फिक्शन में होना चाहिए नॉन फिक्शन में होना चाहिए। तो ये हकीकत है, इसको आप टॉलरेंस बोल लें या जो भी बोल दें, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जहां पे माइथोलॉजी का सवाल है, तो अब देखिए आपके राजा होते थे कश्मीर के गोनंदा, वो जाके उन्होंने वो जरासंध की तरफ से उन्होंने वॉर किया था, द्वारिका में मारे गए थे, उनके पुत्र गोवर्धन सॉरी दामोदर वो ये किए थे, उनकी पत्नी को किस तरह से कृष्ण ने यहां पर उनको राजपाट दिया। तो ये आपका माइथोलॉजी है, जस्ट बिकॉज इट इज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर इट डजंट मीन दैट इट डिड नॉट हैपन, राइट? उसी तरीके से सेकेंड सेंचुरी बीसी के आसपास में एक राजा होते थे यहां पे आपके कश्मीर में, सुदर्शन। तो राजा सुदर्शन का बड़ा आदान प्रदान था कन्नौज जो था, बड़ा वो भी एक बहुत स्कॉलरली राज था, स्कॉलर्स का आदान प्रदान होता था। आज देखिए कैसे जिहादियों का आदान प्रदान हो रहा है। तो सुदर्शन ने उनके तीन पुत्र थे, मंद बुद्धि वाले थे, जैसे नेताओं के बच्चे होते हैं ना कई मंद बुद्धि वाले, तो वो बड़े मंद बुद्धि के थे। तो सुदर्शन ने कहा कि भाई ये मेरे बच्चों को यार ये दे आर ऑब्डुरेट टू एनी डायरेक्ट फॉर्म ऑफ टीचिंग, ये सीधी तरह से सिखलाई से तो ये नहीं सीख सकते, लेकिन अब क्या करें नालायक हैं, इनको यार कुछ एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नो गवर्नेंस कुछ ये सारी चीजें इनको सिखाओ इनको। तो उन्होंने पंडित विष्णु शर्मा को बुलाया, पंडित विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कहानियां लिखी और उसके बाद से पूरी दुनिया में फैल गई पंचतंत्र की कहानियां। लेकिन आप जिस धरती पे बुद्धि और विवेक देने के लिए पंचतंत्र की कहानियां लिखी जा रही है बच्चों के लिए, आज बच्चों को आपने हाथ में पत्थर थमा दिए। और मैं आपको बताता हूं, इस्लाम आने के पहले 570 एडी में एक राजा होता था पर्शिया का, खुसरो। खुसरो ने अपने फिजिशियन था, उसका नाम था उसका बुरजोई, बुरजोई को उसने भेजा और कहा कि संजीवनी बूटी ले आओ जाके। तो वो कन्नौज के राजा के पास आया, तो कन्नौज के राजा ने उसको कहा कि भाई आया है इसको देखो कोई पहाड़ वहाड़ पर जहां ले जाओ कहीं मिलेगा शायद इसको। तो गया तो उसको कहीं मिला, थक गया, थका हुआ वो एक साधु था जो कि ध्यान में मग्न था, तो साधु से पूछा कि भैया ये संजीवनी बूटी कहाँ मिलेगी इससे जिससे आदमी जिंदा हो जाता है। तो साधु ने कहा कि अरे मूर्ख, नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, ही सेज संजीवनी बूटी का मतलब है विज्ञान और पहाड़ का मतलब है ज्ञान और मृत शरीर
का मतलब है अज्ञानी पुरुष। तो अगर अज्ञानी पुरुष को, अज्ञानी आदमी को अगर आप ये ज्ञान दे दो तो वो जीवित हो जाता है। तो अगर तुमको संजीवनी बूटी चाहिए तो तुम यहां से पंचतंत्र की कहानियां ले जाओ, एंड दैट इज हाउ वी ट्रेवल टू, एंड दिस इज रिकॉर्डेड इन शाहनामा। ठीक है सर? तो ये देखिए, आपकी कश्मीर से निकली हुई चीज पूरी दुनिया में कैसे फैल गई। लेकिन अब सवाल है कि इनका तो हिस्ट्री आपने चुरा लिया, इनका हिस्ट्री जो प्री इस्लामिक हिस्ट्री था वो तो मर दिया इन लोगों ने, तो उनको पंचतंत्र की कहानियां से क्या मतलब है, उनको गोनंदा से क्या मतलब, ये तो वो तो फेज ही मार दिया ना आपने उनको, तो ये वैसे नहीं होंगे तो और क्या होंगे ये लोग। एक लॉरेंस, आपने किताब पढ़ी होगी कश्मीर वैली पे, किताब है वाल्टर आर लॉरेंस की, उसमें क्या कहता है साहब, 1890 की आसपास की किताब है, कहता है कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस यहां के जो मुसलमान जो है कश्मीर के वो हिंदू हैं। आप कोई भी, वो कहते हैं एक मुस्लिम श्राइन में चले जाओ और अच्छे ठीक से ढूंढो तो आप कोई कहीं हिंदू श्राइन छुपा हुआ मिलेगा। कोई जगह है फतेहपुरा और एक और पूरा का उसने वर्णन किया है, कहता है वहां पर कोई इसको विष्णु पद कहता है, वो कुछ कदम के निशान है, तो कोई उसको कदम रसूल बोलता है, है? फिर उन्होंने वो पूरा डिस्क्राइब किया कि अभी भी कई जगह है। आज आपने जो अभी एक डॉक्यूमेंट्री दिखाया वो 5 मिनट का, उसमें वो लकड़ी का पुल आपने देखा होगा, एक दिखाया, एक ऐसा ही का लकड़ी का पुल था, वो उसको डिस्क्राइब कर रहा था कि कोई संत का वहां पर ये था, कोई समाधि थी, तो सब लोग उसपे से जब घोड़े से उतर के चप्पल निकाल के उससे क्रॉस करते थे क्योंकि वो पुल के नीचे था। तो एक कोई बारात जा रही थी, दूल्हे राजा ने वो घोड़े पे चढ़े हुए थे, उधर से जा रहे थे, लोगों ने मना भी किया, सीधे वो पुल टूटा, वो नीचे गिर गए। लॉरेंस ने बोले कि नहीं, इसको छोड़ दो, डूबने दो, ही डिजर्व्स इट। ठीक है? और लॉरेंस ने सर ये बहुत वहाबियों के बारे में, दोज डेज वहाबीज हैड जस्ट बिगन टू मेक इनरोड्स इनटू कश्मीर, और उन्होंने कहा वहाबियों के बारे में कि एक बड़ी अजीब सी ये है, लोग तो इसको फॉलो नहीं कर रहे लेकिन ये जबरदस्ती कर रहे हैं। और ये वहाबियों का कहना है, दिस इज रिटन इन द बुक, वहाबियों का ये मानना है कि केवल पति का ही अधिकार नहीं होता है पत्नी पे, ये उस पे लिखा हुआ है। तो देवी और सज्जनों देखिए ये क्या है कि एक इंडस सागा, एक इतिहास एहसान है करके, द इंडस सागा द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान नाम की एक किताब है। तो वो कहता है कि देखिए अगर आपने अपनी पहचान में अपनी पहचान अपनी मिटा दी तो चलो वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही, लेकिन अगर अपनी पहचान आपने बदलने की कोशिश की तो वो तो घातक होता है, क्योंकि फिर आप वैसा एक ऐसी पहचान बनाने की कोशिश करते हो जो आप हो नहीं, तो आपको किसी तरीके से हर तरीके से आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान को अगर अपने आप को बचाना है तो अपने प्री इस्लामिक पास्ट को उसको रिक्लेम करना होगा, और यही सुझाव मैं कश्मीरियों को भी देता हूं। आज पाकिस्तान में आप एक बात बताओ, पाकिस्तान में आप लाहौर चले जाओ तो कई रेफरेंसेस, कितनी इमेजरी इकबाल की है वहां पे, लेकिन 2500 साल पुरानी वो चाणक्या तक्षशिला अभी भी है, कुछ मोनेस्ट्रीज के करीमेंस काफी हद तक प्रिजर्व्ड है। एक एक गांव है उसका नाम है सब मराठू करके गांव है खैबर पख्तूनख्वा में, वो जहां पर एक रिमेन्स है वहां पे, वो गांव देखिए संस्कार आज भी वहां बड़े 200 घरों का एक गांव है,
और आज भी वहां पर जो कई स्कॉलर्स कई पीएचडी करते हो सकता है चाणक्य का संस्कार अभी नहीं चल रहा, लेकिन कोई चाणक्य का वर्णन नहीं, उसके इतिहास को इन्होंने उसको किल कर दिया है। तो देवियों और सज्जनों उसी तरीके से अगर आप इतिहास को अपना किल कर दोगे तो फिर आप तो क्या फिर चंद्रयान थोड़ी बनाओगे, आप चंद्रयान नहीं बनाओगे, आप तो डायरेक्ट 72 लोगों के पास चले जाओगे, है ना। उनका माइंडसेट ही उनका बदल गया है। तो देवी और सज्जनों देखिए आखिरी में मैं ये कहना चाहूंगा कि 370 हट गया, बाइफर्केशन जो होना था वो हो गया है, इतनी उम्मीद नहीं थी किसी को, लेकिन मैं आपके जरिए सरकार और समाज दोनों से गुजारिश करूंगा कि आपका पहला काम है उन लोगों को मरहम लगाना जो कि 70 साल से 370 के विक्टिम थे। जो कि 370 के विक्टिम थे, आपको मालूम है, आप ही उनमें से, आपने भी बहुत पीड़ा सहा है। अगर गलत जगह मरहम लगाओगे तो गलत परिणाम मिलेंगे। और आखिरी में मुझसे किसी ने, पाकिस्तानी ने एक डिबेट में कहा, आप क्या आरएसएस ने क्या अखंड भारत और इसका क्या ये, मैं बोला भैया देखो मैं आरएसएस का नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि अखंड भारत से मेरा क्या, मेरी क्या समझ है अखंड भारत के बारे में। यूएसए में एक सर्वे में 26% लोगों ने कहा कि पाकिस्तानियों ने कहा कि वो पाकिस्तानी नहीं हिंदुस्तानी है। करीब 40% बांग्लादेशियों ने कहा कि वो बांग्लादेशी नहीं वो हिंदुस्तानी है। ऑस्ट्रेलिया और कई जगहों में आज भी अगर आप पाकिस्तानी रेस्टोरेंट अगर लिख दो तो आपके यहां कोई ग्राहक नहीं आएगा। ये अखंड भारत है, ये अखंड भारत है। यूएई का जो सिक्योरिटी के जो हेड है, जनरल सिक्योरिटी के दही, तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानी जो है दे आर थ्रेट टू द गल्फ कम्युनिटी, और इंडियंस की उन्होंने तारीफ की कि आखिर ये इतने सिंसियर और हार्डवर्किंग क्यों, ये आपका अखंड भारत। तो ये 370 हटने के बाद आप देखिएगा कि इसके क्या, ये केवल आप लोगों के लिए ही अहम चीज नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के लिए एक ये बहुत बहुत बड़ा एक साहसी, एक बहुत बड़ा साहसी कदम, बहुत बड़ा। सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि वो हमारी कम्युनिटी से एक्सकम्युनिकेटेड है।